रुकेगी कि नहीं रुकेगी? मैं यहाँ पे देख सकते, आपके दिल में कुछ फील हो रहा है क्या? नहीं तो ये ऐसे करके एकदम ऐसे करके उधर। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होएगा। तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं घर से आया था, मन नहीं लग रहा था और इस कारण मैं यहाँ पे स्टेशन पे थोड़ा बैठा हूँ और इधर का आप सभी को व्यूज़ दिखाने वाला हूँ कि कैसा है नहीं है, ठीक है? तो आप लोग अपने दिल को थाम के बैठेंगे और इधर का व्यूज़ देखने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? और आपको मैं बता दूँ कि अभी मैं कौन से स्टेशन पर हूँ, नहीं यार बताऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा और आपको अनुमान लगाना है कि मैं अभी कौन से स्टेशन पे हूँ, ठीक है? और हमारे साथ कुछ भाई लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, यानी शाम का समय है और ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, वहीं पे मैं बैठा हूँ, ठीक है? तो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे और हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ ठोक ठोक के डालेंगे, क्या पता है क्या, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। शायद भाई लोग थोड़े से हंस रहे, बट पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, शायद हंसी लग रहा होगा मेरी बातों से। तो चलिए, हंसना चाहिए जीवन में, इंसान को हंसते रहना चाहिए, ठीक है? तो इधर का मैं व्यूज़ आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि कैसा है नहीं है। और एक भाई साहब वहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, शायद अपनी जीप का इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, ठीक है? तो अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ यार, क्या करूँ, अकेले बैठा था, भैया लोग तो घर पे है और मैं यहाँ पे आया था। तो फाइनली दिन भर पूजा का कार्यक्रम अभी 4 दिनों से चल रहा है, तो फाइनली अभी मुझे टाइम मिला इधर आने का, तो इधर आ गया मैं और यहाँ से लेके वहाँ तक जाऊँगा और इधर का व्यूज़ आप सभी को दिखाऊँगा, ठीक है? कि कैसा है, तो अनुमान अभी लगा सकते हैं कि ये कौन सा स्टेशन का व्यूज़ मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, बता सकते हैं आप लोग? तो कमेंट करके बताएंगे, जितने लोग व्यूज़ कर रहे हैं वीडियोस को वो लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? बस हो गया, अब आप लोग सरक जाएंगे इधर, अब मैं नहीं बैठूंगा, हो गया मेरा काम। और इधर से थोड़ा जाऊँगा रोशन गुप्ता ब्लॉग्स, और इंटरटेनमेंट देखना हो तो रोशन गुप्ता वाइंस मारेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा, एक बार आप लोग हाई कर देंगे ना प्लीज़। कोई दिक्कत नहीं ना भैया? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं और इधर का व्यूज़ निकाल के फिर यहाँ पे बैठूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली 1 से 1.5 घंटा 8 बजे से 9-10 बजे तक बैठता हूँ आके, क्योंकि बोरिंग ज़्यादा जब फील होता है तो यहीं पे आके बैठता हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल जल्दी आ गया तो इस कारण इधर का व्यूज़ दिखा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है? तो देख सकते हैं कैसा लग रहा, नहीं लग रहा, तो आगे चलेंगे क्या भैया? रोशन गुप्ता ब्लॉग्स, ये वीडियोज़ ब्लॉगिंग शूट हो रहा है, ब्लॉग पर मिलेगा YouTube पे, और वाइंस खोलेंगे तो वहाँ पे इंटरटेनमेंट यानी फनी से भरपूर वीडियोस मिलेगा। तो चलिए और आगे चलते हैं और इधर का व्यूज दिखाते हैं आप सभी को कैसा लग रहा है, ठीक है? तो एक भैया यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करेंगे क्या? थोड़ा सा भैया आ जाएंगे आप एक बार, तब का मैं स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। कैसा लग रहा है अभी आके यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, और क्या क्या कर रहे हैं अभी आप? क्रिकेट खेलने के लिए भैया खा रहा है, तो खेल रहे हैं क्रिकेट? खेल रहे हैं फील्डिंग में, यहाँ पे देख सकते हैं सामने पटरी और भैया यहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मैं भी जाके खेलूँ क्या शायद ऐसा? हाँ खेल लेंगे, आते आते हैं आ रहा हूँ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। चलिए एक बार इधर का व्यूज निकालते हैं क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए और बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत मजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। शायद मैं जंप लगा के जाऊंगा और एक बड़े बड़े बाल रखे हुए भैया उनसे थोड़ा सा बात करेंगे, शायद वो क्या कैप्टन है क्या वो? हाँ चलिए तो यहाँ से मैं जंप लगा के जाने वाला हूँ, ठीक है? और ये वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बहुत सारे भैया लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं बातचीत करूंगा इनसे और यहाँ पे क्रिकेट खेल के जाऊंगा मैं, ठीक है? और आप सभी को भगवानपुर का मैं बहुत सारे वीडियोस भी दिखाया था और फाइनली अभी एक भैया मेरे साथ और हैं और इनका मुझे स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है यार, मैं क्या बताऊँ। और आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर ठोकेंगे, ठीक है? तो आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग चैनल पर, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आपके दिल में कुछ फील हो रहा है क्या? नहीं तो इनके दिल में कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिकेट खेल रहा है भैया। कितना देर से खेल रहा है भैया? अभी जस्ट फर्स्ट इनिंग है। फर्स्ट इनिंग है, मैं भी खेलूँ क्या? बिल्कुल, ब्लॉग बंद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फील्डिंग, नहीं ज़्यादा तो बंदे नहीं है, मिनिमम 8-10 होंगे, बहुत दूर दूर फील्डिंग कट रहे हैं क्या? देखिए वहाँ पे बॉलर गया बॉल लेके और बैट्समैन रेडी है, और ये क्या देखते हैं शायद नहीं। अभी अभी जस्ट ये गाड़ी आई है और मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा था, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सामने से गाड़ी मुजफ्फरपुर से आई है,
बट ये कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद हाजीपुर होते हुए जाएगी। तो देख सकते कितना शानदार लग रहा है यहाँ पे। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्टेशन पे काफ़ी देर से बैठा था, ठीक है, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, इस कारण मैं आ गया घर से स्टेशन पे आ गया। और घर से स्टेशन बाजू में ही है, यानी कि बगल में ही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फाइनली आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा था, ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली अभी अभी गाड़ी आई है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, एकदम करीबन एकदम कितना नज़दीक हूँ यार, मुझे फाइनली पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ इधर का व्यूज कैसा है, नहीं है, शायद ये गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, एकदम लंबा जा रहा है यहाँ पे, बट गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी ये भी पता नहीं, लेकिन हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रुकेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को देखना बता दो कि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी अभी गाड़ी पास कर गई, देख सकते हैं गाड़ी एकदम पास कर गई, यानी कि ओह हाँ शायद एक्सप्रेस थी, ठीक है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। अगर रेड सिग्नल अगर मिला रहता तो गाड़ी हो सकती थी कि संभावना था कि रुकने का, ठीक है, लेकिन रेड सिग्नल तो मिला नहीं था, इस कारण गाड़ी रुकी नहीं है, ग्रीन सिग्नल था, इस कारण गाड़ी डायरेक्ट चली गई। गाड़ी का स्पीड ज़्यादा नहीं था, मिनिमम आप लोग अनुमान लगा सकते हैं क्या जी। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर का रूट है, इधर से मुजफ्फरपुर जाती है, और ये जो रूट है ये हाजीपुर जाती है। तो अभी गाड़ी जो आई है मुजफ्फरपुर साइड से ही आई है और हाजीपुर साइड गई है, बट वो कहाँ तक जाएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आगे कहाँ जाए, बट इसका तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाजीपुर रूट में गई है। और इधर भी एक ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, हो सकता है कहीं इधर से कोई गाड़ी आ रही होगी, ठीक है। देख सकते हैं गाड़ी का जो ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था उधर से, वो गाड़ी अभी आ रही है, हाजीपुर से आ रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है जी, अभी उधर से आई है, ये प्लेटफॉर्म संख्या 2 है, वो एक और ये वो बीच वाली पे अभी आई है, यानी कि गाड़ी की रफ्तार तेज गति है, अनुमान लगा सकते हैं आप लोग कितना तेज है, क्या कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं क्या, शायद बहुत सारे लोग मुझे देख के हाय ऐसे कर रहे थे, टाटा कर रहे थे, वो जा रहे थे, वो शायद लग रहा था उनको मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो लोग समझ गए होंगे कि मैं शायद वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मुझे तो फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आप लोगों को कैसा लग रहा नहीं लग रहा तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और मैं आपको इधर का पूरा व्यूज दिखाने वाला हूँ कि अभी मैं कौन से स्टेशन पे हूँ, पता चल गया होगा शायद आप लोगों को कि मैं कौन से स्टेशन पे हूँ, लेकिन फाइनली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कौन सा स्टेशन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं पोस्टर दिखाऊंगा कि ये कौन सा स्टेशन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको व्यूज दिखा रहा हूँ कि इधर का कैसा है, नहीं है, मुझे तो ये स्टेशन बहुत ही शांति और बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगेगा नहीं लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट करके बताएंगे और पहचान लेंगे ये कौन सा स्टेशन। तो लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्टेशन है सामने दिख रहा है आपको, भगवानपुर स्टेशन है, ठीक है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से लंबा चौड़ा है, देख सकते हैं इधर से भी गाड़ी आती है इस पे, ये जो सामने जो पटरी दिख रहा है आपको, इधर से भी गाड़ी आती है और इधर से भी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है यहाँ पे, शायद सभी पे गाड़ी आती है। कल रात में मैं यहाँ पे था तो गाड़ी तो उधर भी आई थी और इधर तो कंटिन्यू इधर भी आती है, ठीक है। तो अभी मैं भगवानपुर स्टेशन पे हूँ, देख सकते हैं इधर स्टेशन का व्यूज आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ क्या जी, देख रहे हैं। और इधर से आगे जाऊँ क्या, शायद चलिए चलते हैं और इधर का व्यूज दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है क्या। देख सकते हैं यहाँ पे मैं अंतिम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ से जो वो किनारे का सीन आप लोगों को मैं दिखाया था, ठीक है, और वही किनारे से चल के इधर मैं आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इधर से मिनिमम ये जो दिख रहा है, किधर गया, अरे भाई साहब किधर गया, हाँ ये रहा, ये ख़त्म हो गया था ना उधर में, इस कारण नहीं दिख रहा था ये, इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ और वो लास्ट उधर साइड में जो मैं चल के उधर से दिखाया था और इधर पे आया हूँ चल के, ठीक है। तो मिनिमम मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि 500 मीटर शायद होंगे, शायद अनुमान 500 मीटर के आसपास होंगे ये पूरा, ठीक है। और आपको मैं इधर का व्यूज़ दिखा रहा हूँ कि कैसा है, और इधर देखेंगे आप साइड में पूरा जंगल ही जंगल है यार, ठीक है, पूरा एकदम जंगल ही जंगल दिख रहा है, देख सकते हैं इधर में कैसा लग रहा है जी। सही मैं सही बता रहा हूँ कि इधर पूरा जंगल ही जंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा चारों साइड। और एक भाई साहब मेरे यहाँ पे खड़े हैं, शायद पूछते हैं थोड़ा सा, भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं घूम रहे,
भाई साहब घूम रहे हैं जैसे मैं घूम रहा हूँ। क्या आपका घर कहाँ भैया? महनार कहाँ पड़ता है? वैशाली जिला मनहार महनार वैशाली साइड में बकरा वैशाली इधर साइड में। तो इधर देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इधर पांच लाइन ट्रैक बिछाया हुआ है 1 2 3 4 5 यानी कि पांच लाइन है शायद, पांचों पे गाड़ी आती है ठीक है, जब जैसा तब तैसा यानी कि समय को देखते हुए ठीक है। तो आप सभी को मैं इधर का व्यूज दिखाया हूँ और ये मैं प्रॉपर भगवानपुर में हूँ ठीक है। भगवानपुर स्टेशन है, छोटा सा है लेकिन बढ़िया है, मेन रोड है ये, यानी मुजफ्फरपुर से जो गाड़ी आती है हाजीपुर शायद सोनपुर पटना यही रूट है शायद अनुमानित ठीक है। क्योंकि मैं हाजीपुर तक गया हूँ ट्रेन से और मुजफ्फरपुर से हाजीपुर तक गया हूँ ट्रेन से, यही शायद मेन रोड है ठीक है। अब सभी को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इधर से सफ़र करते होंगे और जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो यही स्टेशन का मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ ठीक है। कैसा लग रहा जी? नहीं लग रहा तो कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे। और भाई साहब आपको अगर ये वीडियोज़ देखना होगा तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे रोशन गुप्ता ब्लॉग्स ठीक है, वहाँ पर मेरे चैनल पर ये वीडियोज़ मिल जाएगा ठीक है। तो देख सकते हैं इधर से हम लोग अभी चल रहे हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ है भगवानपुर का ठीक है। आप लोगों को मैं स्टेशन के बारे में बता दिया है कि भगवानपुर स्टेशन है ये ठीक है। तो प्रॉपर आप लोगों को कैसा लगेगा नहीं लगेगा तो कमेंट करके ही बताएंगे ठीक है जी। और इधर देख सकते हैं बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं गाड़ी का। किसी को मुजफ्फरपुर जाना है, किसी को हाजीपुर जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो किसी को कहीं जाना है, तो कोई लोग ऐसे ही बैठे हैं, कोई लोग ऐसे ही टहल रहे हैं जैसे मैं अभी टहल रहा हूँ और इधर का व्यूज निकाल रहा हूँ ठीक है। तो चलिए आपको मैं सीधा ले करके चलता हूँ ठीक है। और देखते हैं बहुत सारे लोग मुझे क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे लेकिन कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे ठीक है। तो इधर का मैं व्यूज आप सभी को दिखा रहा हूँ कैसा है। ये वीडियोज लंबा होने वाला है और आप लोग पूरा वीडियोज को व्यूज करेंगे ठीक है। इधर का वातावरण तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांति है और धूपा भी नहीं है उतना और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं ठीक है। क्या जी? बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे और कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसा लग रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। दुनिया से क्या मतलब है? दुनिया अपना काम कर रही, मैं अपना काम कर रहा हूँ क्या? और देर से मैं आप सभी को व्यूज़ दिखा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा। तो सुरेट आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो लोग नए हैं ठीक है। तो इधर का व्यूज़ आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ठीक है, वरना मैं आगे का व्यूज़ नहीं दिखाने वाला। तो वेट करते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है, उसके बाद हम चलेंगे घर। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है देखते हैं, मुजफ्फरपुर की गाड़ी आ रही है कि हाजीपुर की गाड़ी आ रही है, उसके बाद पता चलेगा ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सी गाड़ी यहाँ पे आ रही है ठीक है। तो चलिए चलते हैं और उधर आगे जाके देखेंगे कैसा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं लेकिन थोड़ा सा प्रैंक नहीं करेंगे अपने इधर नहीं ना, मुजफ्फरपुर कर लेते हैं लेकिन इधर नहीं करेंगे, हो सकता है कोई पहचानता भी नहीं होगा। हाँ तो देखिए गाड़ी का वेट करते हैं हम और चलेंगे गाड़ी से, जहाँ की गाड़ी मिलेगी मैं वहाँ तक जाऊँगा ठीक है। तो कैसा रहेगा नहीं रहेगा तो सुनकर हमारे वीडियोज़ को पूरा एंड तक व्यूज़ करेंगे आप लोग ठीक है। और एक चश्मे वाले भाई साहब यहाँ पे मिल गए मुझे, तो फाइनली चलिए थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं। क्या भैया कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा बढ़िया। सबसे पहले हाय करेंगे आप लोग। हाय गाइस। कहाँ जाने वाले हैं आप? बस घर। आप लोग यहीं से हैं? भगवानपुर? आप कहाँ से हैं? हम भगवानपुर से हैं। भगवानपुर में कहाँ से? बस बगल में ही मेरा घर है। वो तो मेरा भी बगल है। लेकिन कभी देखे नहीं थे क्या? भगवानपुर के हैं ही नहीं। नहीं भगवानपुर के हैं? पूर्वी बाजार देख रहे हैं ना लाइन, उस पर है। हाँ, गली जो फर्स्ट गली आती है उसी में मेरा घर है। हुसैना इधर ही ना है, हुसैना मुर्गिया चौक कौनकर हरी सब इधर ही है। आप जा कहाँ रहे? अभी तो मैं यहीं पे घूम रहा हूँ। हाँ अगर टाइम मिला तो निकल जाऊंगा, फिर रात में चलाऊंगा, घर पे फंक्शन हो रहा था। हाँ ऐसे ही कुछ भी भैया से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और खास इनका मुझे चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, मांग लो क्या? इतना अरे मैं बोल रहा हूँ यार। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं, लेकिन चश्मा तो मांगने का मन कर रहा था लेकिन देंगे नहीं क्या भैया? चश्मा देंगे क्या? पावर है कोई दिक्कत नहीं ना भैया? तो चलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा और फाइनली बहुत अच्छा लगा। तो सुरेट बने रहे, और भी लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे शायद, थोड़ा सा हंसी मजाक करने को मौका मिलेंगे ठीक है।
और इधर का मौसम देख रहे हैं कैसा है, ऊपर का पूरा एकदम क्लीन है जी, एकदम अच्छा लग रहा है। इधर देख रहे हैं कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा शानदार एकदम पूरा क्लीन लग रहा है। देखते हैं आप लोग कितना देर तक वीडियोस को सीन कर रहे हैं। मौसम एकदम शानदार लग रहा है, क्या देख रहे हैं, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। शायद कोई गाड़ी आ रही है, और गाड़ी आ रही है उधर का भी व्यूज आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है इधर का व्यूज और मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सो डैट बने रहे हमारे साथ और वीडियोस को पूरा एंड तक सीन करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे पैसेंजर लोग यहाँ पे आ गए हैं, शायद वो जाने वाले हैं, बट कहाँ जाएंगे तो मुझे पता नहीं, मैं भी जाऊँगा। देख रहे हैं यहाँ पे भगवानपुर का व्यूज दिखा रहा हूँ आपको, शानदार स्टेशन लग रहा है, बहुत अच्छा है, शांतिपूर्वक, क्या बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे आप लोग, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ आप ही लोग के लिए। शायद ये एक्सप्रेस है क्या, ये सिग्नल तो नहीं मिला है, शायद रुकेगी शायद गाड़ी आ गई, शायद ये रुकेगी गाड़ी, बट कहाँ रुकेगी मुझे नहीं पता। चले क्या ऊपर में, सीरी से चढ़ के चले क्या, बगल में सीरी है देख रहे हैं यार, ये सीरी से चढ़ के चलेंगे ऊपर ऐसे करके, ऐसे शायद काम भी हो रहा है अभी, ये देख सकते हैं इधर में, ये ऐसे करके एकदम ऐसे करके उधर से उधर जाएंगे, और ये वाले जो है ऐसे करके ऐसे से ऊपर जाएंगे। लेकिन शायद ये गाड़ी रुकेगी, मेरी मैं अनुमान लगा के कह रहा हूँ कि गाड़ी का स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और गाड़ी शायद रुकेगा, हाँ शायद रुकेगी, रुक गई तो ये कहाँ जाएगी, ये मुंबई जाएगी शायद, तो यही पकड़ के चलता हूँ और फिर रिटर्निंग यही पकड़ के हो जाऊँगा शायद, अनुमानित कह रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं शायद मुझे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, और ये देखते हैं छाँव, इधर धूप में बैठने के लिए बहुत अच्छा जगह है, एकदम छाँव एकदम है, पेड़ का छाँव में बैठेंगे, एकदम ठंडा ठंडा है ना जी, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम, बहुत शानदार लग रहा है। बहुत सारे पैसेंजर उतर भी रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फाइनली आपको मैं बता दूँ कि इधर का व्यूज़ निकाल के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और आपको कैसा लग रहा नहीं लग रहा तो कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो भाई साहब चलूँ क्या घर, कि और व्यूज़ देखना आप लोगों को। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सीढ़ी चढ़ के, ठीक है, देख रहे हैं सीढ़ी चढ़ के जा रहा हूँ, ऐसे करके जाऊँगा और ऐसे करके वहाँ से उतर के, ठीक है, ऐसे उतरूँगा और जाके कहीं आराम से बैठूँगा। यार बहुत दूर तक चला हूँ और व्यूज़ बहुत सारे जगहों का व्यूज़ निकाला हूँ, आप सभी को पता है, और ये देख सकते हैं कितने आराम आराम से हर स्टेशनों पर ये सीढ़ी लगी रहती है, हाँ लगी रहती है ना जी। तो ऐसे ही करके आराम से जाएंगे और वहाँ पर साइड से जाके बैठेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है इधर घूम के, बहुत अच्छा व्यूज़ निकला इधर का, और बस आप लोग ही बताएंगे इधर का व्यूज़ कैसा लगा नहीं लगा, तो सो डैट कमेंट ज़रूर करेंगे आप लोग, ठीक है। और अभी मैं दिखा रहा हूँ इधर सीढ़ी पे, छत वाले सीढ़ी पे, छत वाले सीढ़ी पे मैं यहाँ पे था, और देख रहे हैं दोनों साइड जाली लगा हुआ है, आगे कोई दिक्कत नहीं हो, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों साइड जाली लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर पे। और यहाँ पे कार्य अभी चल रहा है सीढ़ी इधर से उधर जाने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे कार्य अभी प्रगति पे है, काम चल रहा है उधर से उधर जाने के लिए, फिर दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी अगर लगी रहेगी तो लोग ऐसे नीचे से करके जाते हैं, अब डायरेक्टली सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे उधर, और आराम से चढ़ेंगे, लिफ्ट नहीं लगेगा बट सीढ़ी लगेगा, सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे, सीढ़ी से उतरेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं चल रहा हूँ और वहाँ पर जाऊँगा, काफ़ी तेज़ हम भी थोड़ा सा थक गए, काफ़ी देर से कर रहे थे, लेकिन जाके थोड़ा सा बैठेंगे, और उधर कैसा लगा नहीं लगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, और नए नए वीडियोज़ के साथ आप लोग मिलते रहे, और मिलेंगे अब क्या थोड़ा सा और निकाल के, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कैसा लगेगा नहीं लगेगा तो अभी जाके वहाँ पर बैठूँगा और उधर पर थोड़ा सा बैठ के आराम करूँगा कुछ देर, मिनिमम ये आधा एक घंटा, मिनिमम एक घंटा, ज़्यादा नहीं। अभी क्या बज रहा है, ज़्यादा टाइम अभी नहीं हो रहा है, जाके आराम से बैठेंगे वहाँ पे, ऐसे तो डेली बैठता हूँ वहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ का व्यूज़ आप सभी को मैंने दिखा दिया कि कैसा लग रहा है इधर का व्यूज़, नहीं लग रहा, बहुत शांति है, और जितने भी पैसेंजर आते हैं वो आराम से चले जाते हैं, ठीक है। और ट्रेन का जो टाइम है अपना, वो शायद फिक्स टाइम है, आता है जाता है, तो चलिए उधर चलेंगे। और शायद कोई बैठा हुआ है वहाँ पर, एक बूढ़े दादाजी बैठे हैं वहीं पर, मैं बैठूँगा आराम से बैठ के, थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर घर जाऊँगा, और उसके बाद आप लोग बने रहे हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत यूनिक चीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सो डैट बने रहे, उसके बाद हो सकता है मुजफ्फरपुर साइड का
कुछ व्यूज़ आप सभी को मैं दिखाऊंगा, और मुजफ्फरपुर से डायरेक्टली वैशाली, ठीक है, वहाँ का व्यूज़ आप सभी को दिखाऊंगा, जो कुछ सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ का व्यूज़ दिखाऊंगा, तो आप लोग ऐसी अपडेट बने रहेंगे। और हमारे वीडियोज़ में जो लोग नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोज़ को सीन करते रहे, वीडियोज़ को देखते रहे, लाइक ठोकते रहे, कमेंट ठोकते रहे और शेयर करते रहे। अब सभी का भाई आपको अपडेट देते रहता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू सो मच गाइज, ढेर सारा प्यार दुलार ऐसी बनाते रहिए।